प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन राजस्थान की मिट्टियों का वितरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मिट्टी का अर्थ एवं परिभाषा समझ लेते हैं। शैलों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित पदार्थों को मिट्टी कहते हैं। प्रोफेसर J.S. जोफे के अनुसार मिट्टियाँ जंतु, खनिज एवं जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती हैं, जिनमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न मंडल या संस्तर होते हैं। मृदा के ये संस्तर आकारिकी, भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा जैविक विशेषताओं के दृष्टिकोण से नीचे स्थित पदार्थों से अलग होते हैं। अमरीकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। अब राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वह अपनी आजीविका कृषि से ही प्राप्त करती है, इसलिए कृषि की दृष्टि से भी मिट्टियों की जानकारी करना अनिवार्य हो जाता है। मिट्टियों के प्रकार, वृहद रूप से राजस्थान में दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, निर्वासित तथा अवशिष्ट मिट्टियाँ। निर्वासित प्रकार की मिट्टियाँ वही पदार्थ जैसे कांप, बालू एवं सिल्ट को प्रदर्शित करती है, जो मुख्य रूप से नदी घाटियों में संचित होती है, जबकि अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ नीचे स्थित चट्टानों के तात्विक परिवर्तन का प्रतिफल हैं, जो मुख्य रूप से पर्वतों, पहाड़ियों एवं पठारों पर पाई जाती है। अब राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार, राजस्थान में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी के भी 3 उप प्रकार हैं, रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी एवं पीली भूरी रेतीली मिट्टी। दूसरी, भूरी रेतीली मिट्टी। तीसरी, लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी भी 3 प्रकार की होती है, रेतीली मिट्टी, छिछली अथवा सतही मिट्टी, पीली और लाल हल्की मिट्टी। चौथी, लाल लोम मिट्टी। पांचवी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी। छठी, मध्यम काली मिट्टी। इसके भी 3 उप प्रकार हैं, भारी मिट्टी, मध्यम भारी मिट्टी, गहरी मध्यम भारी मिट्टी। सातवीं, कच्छारी मिट्टी। आठवीं, रेतीली मिट्टी। अब सबसे पहले अपन रेतीली मिट्टियों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान में सबसे अधिक भाग पर पाई जाती हैं। रेतीली मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान में, विशेषकर बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी के 4 उप प्रकार हैं। पहला, रेतीली बालू मिट्टी। यह मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिले में मिलती है। यह मिट्टी घुलनशील लवण ऊंचे प्रतिशत पर रखती है तथा इसकी पीएच वैल्यू भी अधिक होती है। इस समस्त क्षेत्र में लगभग 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए वर्षा की कमी सबसे बड़ा निर्णायक कारक सिद्ध होता है। यहाँ इस मिट्टी में फास्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति, जल की आपूर्ति नियमित है, उपजाऊ बना चुकी है। ऐसे उपजाऊ बने भागों में
कृषि बड़ी सफलता के साथ की जा रही है। दूसरी लाल रेतीली मिट्टी, यह मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर तथा चूरू और झुंझुनू जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। थर्ड पीरी भूरी रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी का चतुर्थ प्रकार है भूरी रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर की निम्न भूमि अथवा गर्तों में पाई जाती है। दूसरा प्रमुख प्रकार है भूरी रेतीली मिट्टी। यह मिट्टी लगभग 36,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसमें मुख्यतः बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले हैं। यह मिट्टी पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर इसमें उर्वरकता अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट के तत्व अच्छे मिलते हैं और कुछ स्थानों पर इनका प्रतिशत इतना अधिक होता है जितना कि कांप और बालू मिट्टी में होता है। इस मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। थर्ड प्रकार की मिट्टी लाल व पीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़, अजमेर और सिरोही जिलों में मिलती है। इस मिट्टी के तीन उप प्रकार हैं, पहला रेतीली मिट्टी, दूसरा छिछली अथवा सतही मिट्टी, तीसरा पीली और लाल हल्की मिट्टी। रेतीली मिट्टी, यह मिट्टी दोमट रेतीली है जिसमें रेत का अंश या मात्रा 75 से 90% मिलती है। यह मिट्टी खुली, मुलायम और भुरभुरी है जिसके कारण इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। अजमेर जिले में यह रेतीली है, कहीं कहीं इसमें बालू का स्तूप और चट्टाने भी देखने को मिलती है। दूसरा उप प्रकार छिछली अथवा सतही मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी चट्टानी क्षेत्रों में मिलती है। यह दोमट रेतीली से रेतीली दोमट एवं हल्की भूरी से पीली भूरी जैसी मिट्टियों के रूप में मिलती है। इन मिट्टियों में 65% से 85% तक रेत का मिश्रण दिखाई देता है। अरावली पहाड़ों के ढाली भाग पर ये कम गहराई में पाई जाती है। सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है। कुछ भागों में इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड उप प्रकार पीली और लाल हल्की मिट्टी। यह मिट्टी सतह पर पीली व हल्के रंग की है, लेकिन गहराई के साथ इसके रंग में विषमता आ जाती है जो इसकी परतों में परिलक्षित होती है। इस मिट्टी में 15 से 20% तक दोमट से चिकनी दोमट के रूप में पाई जाती है। चतुर्थ उप प्रकार यह मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य एवं दक्षिणी भागों में मिलती है। यह मिट्टी प्राचीन और कायांत्रित चट्टानों से निर्मित हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी गहराई और उर्वरा शक्ति में विषमता दृष्टिगोचर होती है। लोह ऑक्साइड और फास्फोरस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। यह मिट्टी लोह कणों के मिश्रण के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। औसत रूप से इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि कम पाए जाते हैं। इसमें उर्वरा शक्ति विभिन्न स्थानों पर विषम होने के कारण विभिन्न फसलें जैसे मक्का, चावल, गन्ना आदि बोए जाते हैं।
ये मिट्टी, ये समझो आप, दक्षिणी राजस्थान में अधिक पाई जा रही है, जिसके कारण इसमें मोटा अनाज पैदा किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, कल इसका